फिकर जगत को खा गया, फिकर जगत का पीर, जिसने फिकर को खा लिया वो है सबसे बड़ा फकीर। ओसीडी वालों को फिकर ही खा जाता है, लेकिन अब ओसीडी वाले फिकर को खाएंगे और फकीर बनेंगे। फकीर बनना अर्थात ओसीडी से मुक्त होना, इसके लिए भगवत गीता थेरेपी बेस्ट अप्रोच है। तो आज गीता थेरेपी के माध्यम से जानेंगे कि कंटेमिनेशन ओसीडी का अहम ट्रिगर पोटी, पोटी का डर लगना, उस डर को कैसे समाप्त करना है, कैसे बाय बाय कहना है। और आज हमारी इसी महफिल में गुफ्तगू में शामिल हुई हैं रिया जी। रिया जी, हमारा अहो भाग्य है कि आप गुफ्तगू में शामिल हुई हैं और अपना बहुमूल्य योगदान भी देंगी, और आज आपका डर भी सुमंत्र होने वाला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिखना है गीता थेरेपी फॉर और कंटेमिनेशन ओसीडी, और उसमें लिख देना है पोटी आगे। सबसे पहले कितने कॉलम बनाने हैं? चार। चार, पहला कौन सा है? ट्रिगर्स ए। हाँ, ए बी सी डी। अपा एक कॉमेडी का चैलेंज बनाएंगे, कॉमेडी का, उसमें आपका भी रोल देंगे, ठीक है रानी जी? जी। कैसा कमाएंगे यूट्यूब से? हाँ, कॉमेडी वीडियो डाला करेंगे, सही नहीं है? कॉमेडी वालों को वैसे लाइट में मार भी पड़ जाती है। सही बात है। तो वो बार बार कॉमेडी करते रहते हैं, जहाँ पहुंच गए वहीं। हाँ। ना, बढ़िया, कॉमेडी से ही काम चलेगा। तो सबसे पहले ए, ए को कहते हैं ट्रिगर जी, और बी को क्या कहते हैं? ऑब्सेशन, वहम, विचार, एहसास, लगना, शक लगना, शक भी कह देते हैं, लगना, ये एक ही बात है सबकी, लेकिन मैंने शब्द अलग अलग लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और सी को कहते हैं संभावित डर, खतरा नुकसान। और डी पार्ट है सॉल्यूशन का, जिसे कहते हैं सॉल्यूशन, बी का में प्रॉब्लम जी। और उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक डूइंग का, एक अवॉइड का। एक अवॉइड का, डूइंग को कहते हैं करना और अवॉइड को कहते हैं बचना जी। तो ये आप सबसे पहले लिख लेंगे, ये सब प्रकार की ओसीडी में सेम रहेगा, इसके बाद ट्रिगर बदलते जाएंगे, तरीका ये सेम ही रहता है सब में, चाहे रिलीजियस ओसीडी हो, कंटेमिनेशन ओसीडी हो, कोई सी भी ओसीडी हो, ये गीता थेरेपी का फॉर्मेट सब में ऐसा ही रहता है। तो अब हमारा आज का ट्रिगर क्या है? पोटी मोशन। तो अब पोटी, जैसे ही आप पोटी जाते हो तो उसके बाद एहसास क्या आता है मन में? गंदगी का, या कईयों के लिए पोटी के साथ छींटा भी जुड़ जाता है, हो सकता है आपके आपके ना हो, कि वो छींटा मेरे अंदर भी है। हम पोटी और छींटा दोनों ही ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बहन भाई है ना। तो छींटा आ गया, अब वो छींटा तो बहुत सारे मुझसे पूछते रहते हैं छींटा गंदा होता है या नहीं, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं होता, तो कहते पोटी से आया है, कहते पानी तो वही था, ऐसे ऑब्सेशन उनके मन में फंसते रहते हैं कि ये उसी जगह से आया है, तो वो हाँ से आया तो वो गंदा है, तो जहाँ वो गिर गया वो जगह गंदी होगी, तो फिर वो उसको भी धोना पड़ेगा, तो इस चक्कर में उनका टाइम ज्यादा लग जाता है, बार बार धोते रहते हैं। तो अब हमने समझना है कि पोटी क्या गंदी है, क्या छींटा गंदा है, ये भी समझना है, और ये जो डर लगता है इस डर का कैसे सामना करना है और कैसे एक्सपोजर करना है। छींटा गंदा लग भी जाता है, ऐसी तो बात नहीं, छींटा गंदा होता है वो तो नेचुरल, मान लीजिए छींटा में लग जाते तो वो तो फिर धोना ही पड़ता है, छींटा लगता भी होगा, लेकिन
ऐसा तो नहीं कह सकते कि ओसीडी से पहले छींटे नहीं लगते थे, लगते थे पर तब कोई ख्याल ही नहीं आता वो बढ़ गया। हाँ तो इसमें क्या है कि आपको पहले पोटी से डर लगा, फिर छींटे से लगा, फिर छींटे के से भी छींटे से लग जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो आपने मेन कहानी समझनी है कि छींटा लग गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अगर पोटी भी लगी रहेगी होना तब भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको हमने गंदा मान लिया है इसलिए हम उससे बहुत ज्यादा गंदगी का एहसास जोड़ लेते हैं, लेकिन पोटी उतनी गंदी नहीं होती। भी मान लीजिए कि सब कहते हैं गंदी है तो थोड़ा सा मान लेते हैं गंदी होती है, लेकिन उतनी गंदी नहीं है जितनी आप समझते हो। आपने कुछ ज्यादा ही गंदी मान लिया है, लेबल ही बड़ा लगा दिया है। भी खतरा तो था 1%, आपने उसे 100 कर दिया, ये गड़बड़ हुई है। जब आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी तब आप कोई पोटी हाथ में लेकर घूमोगे नहीं, काम तो वही करोगे जो नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन अब हम कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा करने लग गए हैं, जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वही छोड़ना है, भी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम छोड़ते क्यों नहीं, क्योंकि उसके पीछे ये वाला है, ये बहुत बड़ा है, ये तो गंदा ही होता है और गंदगी तो फैलती है। जब सी डिलीट हो जाएगा तो अपने आप छूटने लग जाएंगी चीजें, क्योंकि जब आपको पता लग गया, ज्ञान हो गया, जैसे अंधेरे को भगाया नहीं जाता, सिर्फ दिया जलाया जाता है, अंधेरा अपने आप भाग जाता है ना, वैसे ही जब आपको ये रियलिटी का पता लगा तो ये सारी चीजें अपने आप भाग जाएंगी, अपने आप ही कम हो जाएंगी, ये निरर्थक हो जाएंगी। जिसे असली मान के पूज रहे थे, आपको पता लग जाए कि किसी भगवान को आप असली मान के पूज रहे थे, पता लगे कि वो असली नहीं है, नकली है, तो फिर आप पूजोगे नहीं, तो अपने आप सही सही दिशा पकड़ जाए, सही दिशा आ जाएगी, या डाटा अपने आप डिलीट होगा ना जी। तो डिलीट होता है डाटा चेतना जगाने से, अवेयरनेस से, या जब आप समझ जाओगे, समझ के बाद डाटा डिलीट होता है, बिना समझे में तो ये सारा कुछ चल ही रहा है। तो ओसीडी अज्ञान का ही नाम है, या ज्ञान में ओसीडी है, ज्ञान जब हो गया तो ओसीडी गायब। ओसीडी एक अज्ञानता का लक्षण है कि हम पोटी के प्रति अज्ञानी हैं। अज्ञानी का मतलब ये है कि हमने पोटी के प्रति कुछ धारणाएं जोड़ दी हैं जो सही नहीं है, रियल नहीं है, और उसको सच मान रहे, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में माया कहते हैं। आगे आता 3rd अध्याय में माया का कंसेप्ट, जिसे मिथ्या कहा जाता है, ये माया है, माया के शिकार हो गए हैं। तो अब हमने जागना है, जागने के लिए पहला स्टेप यही कि समर्पण कर दें। समर्पण का मतलब कि मैं जो कहूंगा वही अंतिम सत्य है। अब अपने विचार अपने दिमाग को बीच में नहीं लाओगे कि आपने 30 साल में जो इकट्ठा किया है वो है कचरा जी। अगर वो ज्ञान होता तो ओसीडी नहीं होती, ये बात तो समझते हो जी, जी। अगर वो असली ज्ञान होता तो ओसीडी होनी नहीं थी। अब ओसीडी हुई है तो जो आप मानते हो, जो आप सोचते हो, वो कचरा है जी। कचरा है तो कचरे को हटाना है, कचरे को जलाना है। कैसे जलाना है कचरे को, वो प्रक्रिया हमें नहीं पता। जैसे कुछ ओसीडी वाले ऐसे होते हैं जिनको ये पता भी लग जाता है लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें वो तरीका नहीं पता कि कैसे छोड़ें, या हिम्मत नहीं होती एक बार। और ओसीडी में मन इतना ज्यादा तेज होता है कि वो कंपल्सन के लिए कहेगा कि डूइंग एक एक बार कर लो, आज कर लो, कल छोड़ दें। आज के चक्कर में कल कभी आता ही नहीं है, छूटता ही नहीं है, वो बढ़ता जाता है। ऐसी गलती शराबी भी करता है। शाम को जब पत्नी जब बेलन उठाती है, घोटा उठाती है, तो वो कहता आज ही पीऊंगा, कल नहीं पीऊंगा, लेकिन कल फिर कहेगा आज ही पीऊंगा। ऐसे ही ओसीडी है, वो कहेगी आज तो कर लो, बस 2 मिनट की तो बात है, सारा दिन खराब जाएगा ना, सारा घर गंदा हो जाएगा, 2 मिनट में क्या लगता है, तो उन्होंने कर ले इतना। तो ऐसे ओसीडी ब्लैकमेल करता है और हम फंस जाते हैं। तो ओसीडी को पूरा ही खुला चैलेंज देना है कि करना नहीं तो करना ही नहीं। घर में गंदगी फैलानी है, अंगद की तरह पैर जमा लेना है कि करना नहीं तो करना ही नहीं, करूंगा ही नहीं, मर जाऊं चाहे, करना नहीं, फिर ओसीडी भागेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दे दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ओसीडी के मामले में ढील देना सबसे बड़ी गलती है। आप अपने आप को ढीला नहीं छोड़ोगे, कह दिया तो कह दिया, गंदगी फैलानी है तो फैलानी ही है, गंदगी में रहना है तो रहना ही है, आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। क्या समझे, गंदगी में ही रहना है
और इस चीज का सामना करना है, हाँ, छोड़ना है इस चीज को। हाँ, तो गंदगी से दोस्ती करनी, सफाई से तो बहुत दोस्ती करके देख ली। हाँ जी, हाँ जी। अब गंदगी से दोस्ती करते हैं, हो लेते हैं गंदे, जन्मे ही गंदे, मरेंगे ही गंदे, तो बीच में क्या सफाई का करना, फिर से एक बार गंदे हो लेते हैं, एक बार फिर से वो कहते ना आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर गंदे होने का इरादा है, ये ठान लो, फिर बात बन जाएगी। तो अब देखते हैं, जैसे ही आप पोटी करने गए, छींटा आया, तो आपको क्या एहसास हुआ? गंदगी का एहसास, गंदगी का एहसास, या छींटे की गंदगी का शक होना, या कि मैं गंदी हो, मैं गंदगी लग गई, ये एहसास होना, ये लगना, और ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो गंदगी का ही मेन रहता है इसमें। और उसके बाद संभावित खतरा क्या है कि मान लीजिए आपको, आप गंदे हो गए, तो हो क्या जाएगा इससे? गंदगी फैल जाएगी, डर जो है दिमाग में पहले। संभावित खतरा तो वही है, गंदगी फैल जाएगी, अशुद्ध हो जाएंगे, गंदगी में रहना पड़ जाएगा, तो गंदगी फैलने का डर रहता है। तो फिर इस खतरे को कम करने के लिए या खतरे को दूर करने के लिए क्या करते हैं? वही हाथ पैर, हाँ वही सफाई अभियान। तो ये वर्तमान में होता है कि जैसे ही ट्रिगर एक्टिव हुआ, घटना घटी, छींटा गिरा, उसी वक्त एहसास आ जाएगा। ऐसा नहीं है एहसास फ्यूचर में आएगा कि छींटा गिर गया है, तीन दिन बाद गंदगी आएगी, ऐसा नहीं है। गंदगी का एहसास पहले आएगा, लेकिन गंदगी फैलने का डर फ्यूचर में होगा कि अब अगर मैंने कोई काम किया या यहां से बिना हाथ धोए बाहर चली गई तो घर गंदा हो जाएगा, सारा सामान गंदा हो जाएगा। मेरे साथ यही होता है कि मैं अगर सुबह फ्रेश हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं अपनी बेड पर नहीं बैठ सकती। हाँ, तो बेड पर मतलब नहीं बैठना, अवॉइडेंस हो रही है, पर कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कपड़ों पर कहीं ना कहीं कुछ, हाँ, छींटा हो सकता है, फिर वहां बैठेंगे तो वो भी गंदा, हाँ वो भी गंदा हो जाएगा, सारा ही गंदा हो जाएगा, फिर उस गंदगी पे नहीं बैठ। कहां तक कल्पना कर माइंड आगे से आगे आगे से आगे, आपको लगता नहीं इतनी कल्पनाएं तो ये कभी होते हैं वो नहीं कर पाते। आप मानोगे नहीं, जनवरी दिसंबर में कितनी ज्यादा ठंड होती है, मैं जब तक नहाती नहीं हूँ ना सुबह फ्रेश होने के बाद, चाहे 10-11 जैसे भी अगर और जाता है टाइम, तब तक मैं कोई शॉल स्वेटर नहीं लेती, क्योंकि वो चीजें रोज रोज तो धोते नहीं है शॉल स्वेटर, इसलिए उनको अवॉइड करो। हाँ, उनको अवॉइड, मतलब ठंड से हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि रजाई भी तो नहीं ओढ़ सकती, रजाई गंदी हो जाएगी, वो नहीं धो सकते, भी नहीं शॉल स्वेटर भी नहीं, सिर्फ जैसे गर्मियों में रहते हैं वैसे एक सूट के। देखने को लग रहा है बड़ी ताकतवर लड़की है, इतने ये नहीं पता भी ये डरी हुई लड़की है। ये तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम है इससे, तो कोई नहीं, अब समझ गए, अब क्या करना है? सामना करना है, योद्धा बनना है, डरपोक नहीं। अर्जुन भी भाग रहा था, कृष्ण ने क्या कहा, सामना करो। तो आपने क्या करना है, योद्धा बनना है या डरपोक होके भागना है? नहीं, डरपोक नहीं बनना। तो आप फिर से युद्ध लड़ना होगा ना जी। लड़ाई किससे करनी है आपने? कौरवों से नहीं करनी है, घर वालों से नहीं करनी है, किससे करनी है? डर से करना है। हाँ, डर से, चीजों से, चीजों के पास जाना है। तो महाभारत है ये, जीतना है जी जी। तो इसमें गंदगी फैलने का डर हो गया, अब इस डर को कम करने के लिए आप क्या करती हैं? हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं। हाँ वही, हाथ पैर धोना, नहाना, पैर धोना, नहाना, जो भी है और भी एक आधा जोड़ लो, चेक, कोई दिक्कत नहीं है। और अवॉइड क्या क्या करती हो फिर? अवॉइड बेड पर नहीं बैठते। हाँ, बेड पर नहीं बैठती सर मैं। हाँ, कंबल रजाई नहीं लेते। कंबल रजाई और क्या क्या अवॉइड करते हो? ये सब नहीं पहनते। हाँ, बेड पर न बैठना, स्वेटर रजाई नहीं लेना। हाँ जी। और उस टाइम में अगर कोई काम करती भी हूँ तो मैं कोई भी चीज है जो मेरे उन कपड़ों के मैं अपने टच में नहीं आने। हाँ, किसी भी चीज को टच ना करना, टच न करना, समझ आ रहा है ना? ये भी आपकी उर्दू सी है, इटालियन भाषा, ये वो जर्मन भाषा है, नहीं समझ में आ रहा है। वैसे ओसीडी वालों को समझ में कुछ ज्यादा ही आता है, तभी तो दिमाग को फालतू चलाते हैं, एक्स्ट्रा ही आता है। तो
ये कहानी है आपकी, रिया की ये कहानी है। रिया ऐसा ही कर रही है पिछले काफी सालों से जी। तो ये देखिए, हमने गलती कहाँ की? अब गलती क्या हो रही है हमसे? गलती यही हो रही है कि अवॉइड कर रही हूँ, डोइंग कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है? लेकिन ये गलती नहीं लगती है, ये ओसीडी जो मन है ना, वो कहता है ये तो सही है, ये सही कर रही हो। भी अवॉइड कर रही हो तो गंदगी से बची हुई हो, धो लेती हो तो ही गंदगी से बची हुई। लेकिन ये मन ने जो सही रास्ता बताया वो गलत हो गया, वो बीमारी बन गई है। क्योंकि गंदगी असली होती तो ये कर भी सकते थे, लेकिन जो डर है वो नकली है ना। ये मन ने जो रास्ता सुझाया था ये असली के आधार पर सुझाया था, लेकिन आपका तो डर पोटी लग गई, मान लो पोटी लग गई, पूरी लिबड़े हुए हैं, फिर ये करोगे तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन पोटी लगी नहीं, छींटा लगा ही नहीं, तब ये करना वो गलत है ना। मन ने जो सुझाव दिया था वो रियल पोटी लगने पर दिया था, ना कि डर वहम के ऊपर दिया था। क्या समझे? कि अगर सच्ची में लगते तब तो एक नॉर्मल इंसान भी धोता, तो हम भी धो लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर अगर वहम कर करके धोते हैं तो वो एक डिसऑर्डर है। हाँ, तो ये समझ जाइए। तो अब देखिए कि आपने जो तरीका अपना रखा है इतने दिनों से वो गड़बड़ है, कि आप डी से सी को ठीक करना चाहती हैं। हाथ पैर धो करके और नहा करके आप गंदगी फैलने के खतरे को रिमूव कर रही हैं, और उसके बाद कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, तो टच इन मत करो तो धोना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, या उन चीजों से दूर रहो। और ये मतलब हर चीज में मेरे साथ नहीं होता, मान लो मैं अपनी बेड पर नहीं बैठ सकती, सिर्फ किसी और का मैं बैठ जाऊं। हाँ, उसका गंदा हो तो होने दो, इसका मतलब अपना तो भाई गंदा नहीं होना चाहिए, दूसरे का गंदा कर दो चाहे। पर्सनल चीजों के साथ ये जुड़ी हुई है, बाकी के साथ नहीं जुड़ी। बाकी ओसीडी वाले क्या, स्वेटर नहीं पहनी जाएगी जो नहाने के बाद पहनी, अगर किसी और के तो पहनी जाएगी। हाँ, वो चाहे पोटी में ही लगी हो उसमें इतना कुछ हो सकता है कि उसका बेड सचमुच गंदा हो, उसके ऊपर बैठ जाओगी, हो सकता है अपना बेड सचमुच साफ हो, अपना तो गंदा करना ही नहीं है। ये फील आती है कि मैं खुद ही तो गंदी हूँ। हाँ, अभी मेरा बेड गंदा ना करूँ, दूसरे का कर दूँ चाहे। ऐसा वो घर में भी करती है कि अपने घर में ही उनको दिक्कत आती है, दूसरों के घर में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ, कि वहाँ के अपना घर थोड़ी है। ओसी डी का ये है कि वो पर्सनल चीजों के साथ ये सब करता है। हाँ, अपना घर दूसरों का, अपना घर गंदा नहीं होना चाहिए, अपना बेड मेरा बेड गंदा नहीं होना चाहिए। नहाने का तरीका तो अपना, अगर पर्सनल बाथरूम है तो उसमें अलग ही रहता है, तभी उसमें ज्यादा टाइम लगता है धोने करने, कहीं और जाओ तो नहीं होता ही। हाँ, क्यों, यहाँ तो एक दो दिन रहना है ना, उसमें जैसा उसी में, अपना थोड़ी ना है, इसका मतलब अपना पराया बहुत रहता है, अपना घर गंदा ना हो, बाकियों का चाहे हो जाए। यही होता है, यही होता है ना, कि यहाँ तो दो चार दिन रहेंगे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अपना घर में तो हमेशा रहना है, तो यहाँ बर्दाश्त नहीं है। मोटा तो उसमें भी चलो दो दा लेते हैं, करते ही ऐसे तो जितना कर लेते हो, ज्यादा एक नॉर्मल इंसान की तरह तो नहीं जीते, पर इतने ऑब्सेशन और ये सब डूइंग और ये सब नहीं होता। हाँ, वहाँ भी अवॉइडेंस ही होती है, अवॉइड ज्यादा करते हो, चलो कोई नहीं, मन से अवॉइड कर दिया ना, चलो कोई थोड़े दिन की बात एडजस्ट कर लेते हैं। वो एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, लेकिन बीमारी ठीक, अब बीमारी ठीक नहीं है, बीमारी ठीक होने के लक्षण अलग ही हैं जी। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर कि डी से सी और ज्यादा बड़ा होगा, कि पहले गंदगी फैलने का डर था वो संभावित है, लेकिन अगर आप हाथ पैर धो लेते हो, अवॉइड करते हो, तो ये रियल बन जाता है, संभावना की जगह सच्चाई आ जाती है, आपको सच में लगने लगेगा कि हाँ घर तो गंदा होता, अब मैंने ये डूइंग किया है इस वजह से घर साफ है, अगर मैंने ये डूइंग नहीं की तो घर गंदा हो जाएगा, ये विश्वास और ज्यादा डीप होता जाएगा आपका। रोंग बिलीफ है तो ये रोंग गंदगी फैलने का, कि गंदगी आज तक फैली क्या कभी, या आपके नहीं ओसीडी होने से पहले भी तो जाते हैं, और आपके बाकी परिवार के सदस्य भी तो जाते हैं, तब तो पैर भी नहीं धोते, बाकी सदस्य भी करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ ही गंदगी क्यों फैलेगी भी, बाकी लोग गंदगी फैलाते हैं, इसका मतलब तब उनका ऐसा लगता है कि शायद ये तो इन्होंने तो बहुत ध्यान से, इतने बड़े हैं तो ये तो क्यों, हाँ, बड़े का पता नहीं होंगे। हाँ, ये लगता वो भी बिलीफ है कि शायद करके आए होंगे, हो सकता ना करके आए, और उन नहीं, वो इतना सोचते नहीं, गंदगी नहीं दिखती, ऐसा लगता है अपने ऊपर ही चिपकी हुई है। मैं ना कुछ जिम्मेवारी मेरी है, दूसरों का छोड़ देता, ओसीडी खुद की जिम्मेवारी पर ले आती है ना, गंदगी मेरी वजह से नहीं फैलनी चाहिए, दूसरों की वजह से फैल जाए चाहे, लेकिन मेरी वजह से ना फैले, वजह मैं ना बनूं, वजह ना बनना ही तो ओसीडी है ना।
ये भी तो घर में, कि घर में लड़ाई मेरी वजह से ना हो, और जिसको लगने लग जाता है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है तो समझ लो वो ओसीडी में जाएगा। मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, ये मेरे अंदर बहुत है, मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, मेरी वजह से ये ओसीडी तभी हुई है, मेरी वजह से वो ना हो। सर ये सामना है, मतलब इन चीजों का जवाब नहीं दिया कभी, तभी तो आज हम फेस कर रहे हैं चीजों। अब रानी लक्ष्मीबाई बनना है या बनना ही पड़ेगा, ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी। तो तलवार उठाओगे या भाला? तलवार उठा लेंगे सर। बस तो तलवार से किसी इंसान को नहीं मारना, अपने ओसीडी को ही मारना है। इंसान को जो हमारी कमजोरी है, इंसान मार भी नहीं सकते। और क्या, मार देंगे तो फिर जेल में जाएंगे। और साथ में मैं भी जाऊंगा, इसने बंदे ने बताया था भी मारो। आप तो कह दोगे कि सर उन्होंने समझाया था, तो उसको भी लाओ पकड़ के। बिल्कुल। तो रिया जी, गलती सबसे बड़ी ये है कि हम डर को हाथ धो करके और अवॉइड करके खत्म करना सीख गए, यही गलती है। अब हमने इस डर को दूर करना है, बिना नहाए बिना धोए बिना अवॉइड किए डर को हटाना है, ये इलाज है। ठीक है, तो आप जितना डी का इस्तेमाल करेंगे उतना सी बड़ा होगा, अर्थात आप इतने सालों से नहा धो करके इसको बड़ा ही किए, ये खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता था अभी खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, ये बढ़ रहा है, और सी से बी बड़ा हो रहा है, अर्थात जितना बी का इस्तेमाल करोगे और सी का इस्तेमाल करोगे गंदगी का एहसास ज्यादा होता जाएगा, ये विचार रिपीटेड आएगा और फंसने भी लगेगा, मन में भी फंसेगा, बार बार फंसेगा, और जितने विचार ज्यादा फंसेंगे उतना खतरा भी बढ़ता जाएगा, ये दोनों आपस में भी लेन देन करते रहते हैं, दिन का चलता है आपस में लेन देना। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग, इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है, भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी, गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।